दोस्तों अब हम पहुंचे हैं पौड़ी गढ़वाल के रांसी स्टेडियम में, जो कि दुनिया भर में फेमस है क्योंकि एशिया का सेकंड हाईएस्ट ये स्टेडियम है जो समुद्र तल से 7000 फीट की ऊंचाई पर है। और इसकी खासियत ये है क्योंकि पहाड़ों पर है, चारों तरफ से देवदार और चीड़ के पेड़ों से घिरा हुआ है, तो ये लोगों के लिए एक डेस्टिनेशन और पिकनिक पॉइंट जैसा बन जाता है। इसकी एक और खासियत है, जो हमारे शहीद जवान थे राइफल मैन जसवंत सिंह रावत, उन्हीं के नाम पर ये स्टेडियम है और उनके बारे में हर एक उत्तराखंडी और देशवासियों को पता होना चाहिए। एक तरह से वो एक अनसंग वॉरियर है हमारे, जिनका जिक्र बार बार होना चाहिए क्योंकि उन्होंने अकेले ही जब इंडो चाइना वॉर हुआ था 300 सैनिकों को अकेले ही मार गिराया था। तो चलिए इस स्टेडियम के बारे में जानेंगे, साथ ही जसवंत सिंह जी के बारे में भी हम जानेंगे। दोस्तों इस स्टेडियम को जिस शहीद जसवंत सिंह रावत का नाम दिया गया है, उनकी कहानी हर एक हिंदुस्तानी को पता होनी चाहिए। ये बात 1962 की है, जब जसवंत सिंह जैसे वीर ने भारत चीन युद्ध में पूरे 72 घंटे तक अकेले बॉर्डर पर लड़ाई की और 300 सैनिकों को अकेले ही मार गिराकर वो शहीद हो गए। कहा जाता है कि उनका शरीर तो चला गया लेकिन आत्मा आज भी यही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी 24 घंटे उनकी सेवा में सेना के 5 जवान लगे रहते हैं। यही नहीं, रोजाना उनके जूतों पर पॉलिश की जाती है, उनके कपड़े प्रेस किए जाते हैं। वहां रहने वाले जवानों और स्थानीय लोगों का मानना है कि जसवंत सिंह रावत की आत्मा आज भी भारत की पूर्वी सीमा की सुरक्षा कर रही है। उनके नाम से नूरा नांग में जसवंत गढ़ नाम का बड़ा स्मारक बनाया गया है। यहाँ शहीद के हर सामान को संभाल कर रखा गया है। देश के खातिर शहीद हो चुके जसवंत के जूतों पर रोजाना पॉलिश की जाती है। इस काम के लिए सिख रेजिमेंट के 5 जवान तैनात हैं। यही नहीं, रोज सुबह और रात की पहली थाली जसवंत की प्रतिमा के सामने परोसी जाती है। बताया जाता है कि सुबह सुबह जब चादर और अन्य कपड़ों को देखा जाता है तो उसमें सिलवटें दिखी जाती हैं और वही पॉलिश के बावजूद जूते बदरंग हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जसवंत सिंह आज भी वही हैं, आज भी उनको प्रमोशन और छुट्टियां मिलती हैं। जसवंत सिंह रावत भारतीय सेना के अकेले सैनिक हैं जिन्हें मौत के बाद प्रमोशन मिलना शुरू हुआ था। पहले नायक, फिर कैप्टन और फिर मेजर जनरल के पद पर वो पहुंच चुके हैं। उनके परिवार वालों को पूरी सैलरी पहुंचाई जाती है। वहीं अगर घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है या शादी होती है तो घर वालों को ज़रूरत पड़ने पर घर वालों की तरफ से एक छुट्टी की एप्लीकेशन दी जाती है, जिसकी मंजूरी मिलते ही सेना के जवान उनकी तस्वीर को पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनके उत्तराखंड के पुश्तैनी गाँव में ले जाते हैं। वहीं छुट्टी समाप्त होने पर उस तस्वीर को सम्मान के साथ वापस उसी स्थान पर ले जाया जाता है। आपको बता दें, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के बादियों में 19 अगस्त 1941 को जसवंत सिंह रावत का जन्म हुआ था। उनके अंदर देश प्रेम की भावना इस कदर थी कि 17 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने सेना में भर्ती होने का निर्णय लिया और वो चले गए, लेकिन उन्हें कम उम्र के कारण नहीं लिया गया। हालांकि जब वो बड़े हो गए तो 19 अगस्त 1960 को जसवंत को सेना में राइफल मैन के पद पर शामिल कर लिया गया। 14 सितंबर 1961 को जसवंत की ट्रेनिंग पूरी हुई। उसी के बाद 17 नवंबर 1962 को चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लिया था और हमला कर दिया था। इस दौरान सेना की एक बटालियन की एक कंपनी नूरा नांग ब्रिज की सेफ्टी के लिए तैनात की गई, जिसमें जसवंत सिंह रावत भी शामिल थे। चीन की सेना हावी होती ही जा रही थी, इसीलिए भारतीय सेना ने गढ़वाल यूनिट की 4th बटालियन को वापस बुला लिया, मगर इसमें शामिल जसवंत सिंह, लास नायक त्रिलोकी सिंह नेगी और गोपाल गुसाई नहीं लौटे। इन तीनों सैनिकों ने बंकर से गोलीबारी कर रही चीनी मशीन गन को छुड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए। तीनों जवान चट्टानों और झाड़ियों में छिपकर भारी गोलीबारी से बचते हुए चीनी सेना के बंकर के करीब पहुंच गए। महज 15 यार्ड की दूरी से हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मन सेना के कई सैनिकों को मारकर मशीन गन छीन ही ली उन्होंने। इससे पूरी लड़ाई की दिशा ही बदल गई। चीन का अरुणाचल प्रदेश को जीतने का सपना पूरा नहीं हो पाया।
हालांकि इस गोलाबारी में त्रिलोकी और गोपाल मारे गए, वहीं जसवंत को दुश्मन सेना ने घेर लिया और उनका सिर काट कर ले गए। इसके बाद 20 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। तो आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे स्टेडियम का भव्य गेट है और इस गेट में लिखा हुआ है शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह स्टेडियम। ऐसे ट्रिब्यूट हमारे वीर जवानों को मिलते ही रहने चाहिए। रांची स्टेडियम से हम बार बार अपने जवान जसवंत सिंह को याद करते रहेंगे। तो चलिए अब हम अंदर देखते हैं और बाहर से ही दिख रहा है बहुत बड़ा ये ग्राउंड है जहाँ पर बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, फुटबॉल गेम होते हैं, क्रिकेट होता है और अब तैयारी की जा रही है इंटरनेशनल लेवल के गेम भी यहाँ पर हो सके। तो दोस्तों रांची स्टेडियम हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है बहुत तेज़ हवाएं भी चल रही हैं और साथ ही यहाँ पर बहुत लोग, जैसे कि मैंने कहा, डेस्टिनेशन भी है, पिकनिक के लिए भी आते हैं क्योंकि बहुत अच्छा ऊंचाई पर ये है तो यहाँ पर सभी लोग आया करते हैं। इस वक्त भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं और बहुत सारे लोग अपनी तस्वीरें क्लिक कर रहे हैं। ऐसे हिल स्टेशन जगह पर हमें इतना अच्छा पॉइंट मिल जाए पिक्चर्स के लिए तो और ही मज़ा आ जाता है। आप चारों तरफ देख सकते हैं बहुत ही सुंदर ये व्यू है और चारों तरफ पहाड़ों और पेड़ों से घिरा हुआ है। जैसे कि मैंने कहा कि देवदार, चीड़ की ठंडी ठंडी हवाएं इन्हीं पेड़ों से गुजर कर आती हैं और बहुत ही सुंदर ये व्यू है। तो दोस्तों ये है रांची स्टेडियम और जब भी यहाँ आए खूबसूरत नज़ारों का मजा लें, लेकिन साथ ही जसवंत सिंह रावत को ज़रूर याद करें। उनके बारे में और भी जानकारी आपको जाननी है तो उनके नाम पर एक फिल्म बनी हुई है 72 आवर्स जो कि YouTube पर भी अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक दे दूंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की दूसरे जानकारी भरे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।